और क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है शो दैट द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल पजेस ग्रुप प्रॉपर्टी। हमने शो करना है कि जो हमारे पास क्रिस्टोफल सिंबल है वो ग्रुप प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अब ग्रुप प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? ग्रुप प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि आपके पास डायरेक्ट आप इससे डबल प्राइम पे आ जाए या स्टेप बाय स्टेप आए, यानी पहला डेरिवेटिव लें और सेकंड डेरिवेटिव लें, दोनों केसेस में आपके पास आंसर वही आएगा, सेम आंसर आएगा। ठीक है, यानी आप पहले अगर जो भी आपके पास क्रिस्टोफल सिंबल है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, तो सेकंड डेरिवेटिव लेके जो आंसर आएगा वो, या फिर आप डायरेक्टली फर्स्ट से सेकंड डबल डेरिवेटिव ले लें, तो उसका आंसर सेम आना चाहिए। ये ग्रुप प्रॉपर्टी होल्ड करेगी अगर हम इस ऐसा हो जाए तो। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, पहले हम इस स्टेप पे चलते हैं यानी फर्स्ट से सेकंड डेरिवेटिव पे, फिर थर्ड आएंगे। ठीक है, अब आप देखें आपके पास ये क्रिस्टोफल सिंबल है आई जे और प्राइम और के है, तो क्रिस्टोफल सिंबल क्या हो जाएगा आपके पास, यानी इसका अगर ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के फॉर्म में मैं लिखूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी ए बी और सी, यहाँ पे ए बी और के। ठीक है, आपके पास क्योंकि आप जो है क्रिस्टोफल सिंबल में आपने क्या करना है इसके पार्शियल डेरिवेटिव लेने हैं। ठीक है, ये डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ए का विद रिस्पेक्ट टू आई आ जाएगा, बी का विद रिस्पेक्ट टू जे आ जाएगा, और सी का के प्राइम का विद, क्योंकि के ऊपर है तो के का विद रिस्पेक्ट टू सी आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिखने का तरीका है, इसको याद रखिएगा कैसे लिखेंगे हम ए यानी आई जे, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है ए बी है, इधर के प्राइम है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है सी है। ठीक है, आई जे भी प्राइमड में क्योंकि ये पूरे क्रिस्टोफल सिंबल पे प्राइम है, तो इसका मतलब है कि आई जे जो आपके पास है वो क्या है डिनोमिनेटर में है, तो उनको हम क्या लिखेंगे आई और जे विद प्राइम हमने डिनोमिनेटर में लिख लिए। ठीक है, और आपके पास के प्राइम जो है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा आई जे आपके पास क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर में थे ए बी, ये ए बी आ जाएगा, और के प्राइम आ जाएगा सी, सी के इक्वल आ जाएगा, फिर आप लिखेंगे प्लस, और आपके पास नेक्स्ट आपने इसका क्या करना है आप देख लेंगे कैसा, जैसे आई और जे इकट्ठे लिखे आपने, यहाँ पे क्या लिखना है आई जे इकट्ठे लिखने लेकिन विद प्राइम और डबल डेरिवेटिव में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स ए। ठीक है, क्या लिख दिया आपने एक्स ए लिख दिया, तो यहाँ पे जैसे एक्स ए लिखा ना यहाँ पे भी एक्स ए ही आएगा, यहाँ पे जो आता है टर्म वही यहाँ पे आती है, लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे के प्राइम ऊपर था तो आपने के प्राइम ऊपर लिखे एक्स ए लिख देना, इसका डेरिवेटिव आपने ऐसे लेना है, यानी क्रिस्टोफल सिंबल का मैं अगेन आपको डेरिवेटिव समझा देती हूँ आपने कैसे लेना है। ये सिंबल है आई जे और यहाँ पे के प्राइम है, तो आप देखेंगे कैसे लिखेंगे, जैसे आई जे है इधर इंडेसिस क्या हो जाएंगी ए बी, और ये पूरा क्रिस्टोफल सिंबल विदाउट प्राइम है, यहाँ के है तो यहाँ सी हो जाएगा। इसके डेरिवेटिव कैसे लिखने हैं आपने देखें, आई जे इंडेसिस में है कोवेरियंट इंडेसिस में है, ठीक है नीचे है तो ये डिनोमिनेटर में आएंगे आई जे आगे। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या किया पार्शियल डेरिवेटिव, अब आपके पास ए भी ऊपर आ जाएंगे तो कली एक्स आई प्राइम कली एक्स जे प्राइम और ए भी आ गया, और के प्राइम ऊपर था तो हमने कली एक्स के प्राइम ऊपर लिख दिया डिवाइडेड बाय कली एक्स ही हो जाएगा, ये टर्म आ जाएगी। फिर आप लिखेंगे प्लस, प्लस आपने लिख लिया कली, अब आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है इसका, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है आई जे के लिहाज से कली आई कली एक्स आई प्राइम और कली एक्स जे प्राइम हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा आपके पास कली एक्स स्क्वायर एक्स ए, तो आपने फर्स्ट जो है वो चूज कर लिया यहाँ पे ए, यहाँ पे अगर एक्स ए है तो यहाँ पे भी एक्स ए लिखना पड़ेगा, लेकिन के जो है वो ऊपर था तो उसको ऐसे अलग से आपने बता देना है, आई जे इकट्ठे थे इसलिए इकट्ठे लिखे सेकंड ऑर्डर में, और एक्स ए के साथ फर्स्ट ऑर्डर में आपने ये टर्म लिख लेनी है, तो इस तरह आपने डेरिवेटिव लेना है। अब अगर अगेन आपने इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेना है तो वो आप क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है क्यू आर और P ले लिया और डबल डेरिवेटिव का जो है वो असिम्बल है यहाँ पे, तो वो किस तरह होता है आपके पास टू से थ्री पे जाएंगे, आप लेंगे क्रिस्टोफल सिंबल यहाँ पे आई जे के ये जो आपने लिखा हुआ था इसके साथ आप टर्म क्या आ जाएंगी, अब इसका डेरिवेटिव आपने लेना है, अब इसमें होगा ये आपके पास ये सारी टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई है, जैसे आपने ये लिया ये देखें आपके पास ये जो टर्म थी ना एक्स आई प्राइम और एक्स जे प्राइम नीचे थी ये भी ऊपर आ गई, ठीक है ये टर्म ऊपर आ जाएंगी आई और जे, और आपके पास के प्राइम जो ऊपर थी वो नीचे आ गई, लेकिन यहाँ पे पी क्यू आर है तो हम आई जे और के जो है ये किससे रिप्लेस हो जाएंगे क्यू आर, और पी ऊपर था तो पी ऊपर आ जाएगा, ठीक है ये आ जाएगा, लेकिन आई और जे के साथ सिंगल डेरिवेटिव है और क्यू आर पी के साथ डबल डेरिवेटिव होंगे। फिर प्लस आप लिखेंगे यहाँ पे देखें आपने क्या चूज किया, अब आप यहाँ पे चूज करेंगे आपने H, H जैसे मैंने वहां को A टर्म चूज कर ली थी यहाँ H चूज कर लूंगी क्यू आर एच, और यहाँ पे भी H आ जाएगा, यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव के साथ आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास डबल डेरिवेटिव आ रहे होंगे, ये सारे डबल डेरिवेटिव है क्यू पी आर जो है डबल डेरिवेटिव है, क्योंकि ये देखिए क्रिस्टोफल सिंबल में ही डबल डेरिवेटिव है, इसकी सेकेंड फॉर्म आई हुई है। ठीक है, अब आपने ये जो आपके पास वैल्यू आई हुई इक्वेशन नंबर वन ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ दिस फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू अपोर्ट करें तो आपके पास क्या आ जाएगी, अब देखें कि आपको ये वैल्यू ऑलरेडी इसकी गिवन थी
अब आप क्या करेंगे कि इस क्रिस्टोफल सिंबल की जगह आपने ये सारी वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है, इस सारे की जगह आप ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, और फिर ये भी साथ तीन टर्म मल्टीप्लाई और फिर प्लस ये टर्म आ रही है, तो देखें ये तीन 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 टर्म भी मल्टीप्लाई और प्लस ये टर्म आ रही है। तो अब आप देखेंगे कुछ चीज़ें इसमें से कैंसिल हो रही होंगी, जैसे आप देखेंगे आपके पास क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही होंगी। अब इसमें देखें आप कि जैसे आई है कल एक्स प्राइम, क्योंकि ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो ये एक्स आई प्राइम के साथ कट जाएगा, एक्स जे प्राइम के साथ कट जाएगा, के प्राइम के साथ कट जाएगा, ठीक है, ये टर्म आ जाएगी। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये बचेगा, सिर्फ ये टर्म बचेगी, और ये बीच में प्लस का सिंबल था तो प्लस, और इसके साथ ये सारी टर्म बचेंगी, प्लस आपके पास ये टर्म आ जाएगी, ये क्वेश्चन नंबर थ्री आई है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या बताएंगे कि आपके पास कर्ली एक्स ए, कर्ली एक्स आई प्राइम, और कर्ली एक्स आई प्राइम, और कर्ली एक्स क्यू प्राइम, ये क्या होगा, ये इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है, ये क्या होना चाहिए आपके पास, इसके इक्वल होने, आप सपोज करेंगे ये यू है, फिर इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगेन इसको डिफरेंशिएट करें फोर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स आर प्राइम, तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी, इसको भी आपने ऐसे ही डिफरेंशिएट करना है जैसे आपको बताया, ठीक है, इसका डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, ये टर्म आपके पास ऐसे ही आ रही है, ठीक है, और इसमें क्या हुआ, आपने सिर्फ यहाँ पे जो है वो इस तरफ तो बिल्कुल सिंपल है, इसको डबल डेरिवेटिव लिया आपके पास ये आ गया, ठीक है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू आप आर ले रहे हैं तो वो ये टर्म आ जाएगी। अब इस टर्म का विद रिस्पेक्ट टू आर लेना है तो ये टर्म आ जाएगी आपके पास, लेकिन इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक दफ़ा ये टर्म और एक दफ़ा ये टर्म आ जाएगी, ठीक है, फिर आपने मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ करना है तो आप ये आंसर लाएंगे, फिर आपने आई से एच आई रिप्लेस कर देना है, आपके पास ये टर्म बन जाएगी, ठीक, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट टर्म आपके पास इसके इक्वल बन रही होगी, अगर इसको आप लेंगे, बाकी सारी टर्म आपके पास ये आ रही होंगी, ठीक है, और ये साथ एक्स्ट्रा टर्म आ रही होगी, ये आ रही है साथ, तो इससे आपको इससे आपको पता चल रहा है कि क्रिस्टोफल सिंबल जो है वो क्या पोजेस करता है, ग्रुप प्रॉपर्टी, या खुद सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप।